व्यूअर्स, कैसे आप सब गाइस? आज की जो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए ओनरशिप रिव्यू। गाइस आज हम करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 5G का ओनरशिप रिव्यू। आज का जो ओनरशिप रिव्यू होगा 20,000 किलोमीटर का ओनरशिप होगा, तो गाइस काफी ज्यादा चल जाती है 20,000 किलोमीटर। इसके अंदर आपको काफी बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, और आपको अगर जैसे 5G के बाद 6G लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि यार होंडा की ये वाली गाड़ी लेने के लिए आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने भाई से मिला लेते हैं जिनका आज हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो हेलो भाई, कैसे हैं? तो अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम गौरव। तो गौरव भाई, सबसे पहले आपसे ओनरशिप में यही पूछते हैं कि यार सिर्फ एक्टिवा ही क्यों लिया आपने, वो भी 5G? मेरे को इसका पिकअप बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, इतने कम रेंज में, मतलब इसको पिकअप बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, आपने टेस्ट ड्राइव मतलब शोरूम से ली होगी पहले? मैंने शोरूम से ली थी। हाँ, 2020 में उठाई थी स्कूटी। अच्छा, 2020 में। तो मुझे मतलब इसका वो सही लगा। अच्छा, मतलब पिकअप वगैरह बढ़िया इसका। अच्छा, तो इस वजह से मैंने ये स्कूटी ली। ठीक ठीक। तो इसके अलावा जैसे और भी शोरूम में गए आप? और शोरूम में गया, पर मुझे वहाँ उतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे फाइबर बॉडी इतनी पसंद नहीं है। अच्छा, एक बार गिर गई तो मतलब गिर ही जाती है, इसमें डेंट आ जाएंगे, थोड़ा पिचक पुचक के ठीक हो जाती है। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ये चीज़ तो आपको खैर इसी में मिलती है। तो इसका जैसे आप इतने टाइम से रख रहे हैं, तो इसका क्या एक्सपीरियंस मतलब आपका रहा है, जैसे परफॉर्मेंस वाइज हो गया या माइलेज किस तरीके का दे रही है? माइलेज तो ये वही देती है, 35-40। अच्छा, 35-40 मारता है। तो 110 सीसी के हिसाब से आपको थोड़ा कम लगता है या मतलब ठीक लगता है? मतलब मेरे को तो ठीक लगता है, क्योंकि मेरा वेट भी थोड़ा कम है, तो हिसाब से बढ़िया लगता है। अच्छा, तो हिसाब से बढ़िया, पहाड़ के लिए तो मुझे बेस्ट लगी, मतलब फिर भी। हाँ, ये वो आपका एक्टिवा का तो एक नाम है पहले से ही। 110 सीसी मतलब मुझे लगाने की उतनी हल्की है। अच्छा, ठीक लगी मेरे को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही बताऊंगा आपको। हाँ, तो वैसे आपने किस पर्पस के लिए लिया, मतलब फैमिली पर्पस के लिए या स्कूल कॉलेज वगैरह? किस टाइप? स्कूल थोड़ा दूर है, 8 किलोमीटर रोज का अप डाउन होता है। अच्छा, तो वैसे स्कूटी लेना बहुत जरूरी हो रहा है, बहुत दूर पड़ जाता है। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने स्कूल के लिए लिए ये? स्कूल के लिए। तो स्कूल जाने के लिए भी मतलब पर्पस के लिए बढ़िया रहती है आपके लिए? हाँ, बढ़िया रहती है स्कूल के लिए। अच्छा, और माइलेज वगैरह? दो तीन तो राइड लेता हूँ उसमें, फिर मतलब। अच्छा, ठीक ठीक, माइलेज को बराबर करने के लिए सही कर लेती है। अच्छा, और तो वैसे कभी जैसा आप इतना यूज़ कर रहे हैं इसको, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि यार आपको कभी इसने धोखा दिया या कुछ इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं दी इसने अभी तक? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब मैं इसमें गिरा भी हूँ। अच्छा, मुझे इतने इसमें डेंट मिले नहीं, मतलब मुझे डेंट मिले हैं, डेंट नहीं मिले। तो देखिए गाइस, यार भाई कितने हंसी मजाक के वाले बंदे हैं, तो कितना एक्सपीरियंस जो है उनका काफ़ी बढ़िया। तो जैसे आप बता रहे थे कि 20,000 किलोमीटर चल गई है अभी तक, तो इसमें जैसे कभी आपको कोई एक्सटर्नल खर्चा करने की जरूरत पड़ी या नॉर्मल सर्विस में आपका काम चल रहा है? अभी नॉर्मल सर्विस में काम चल रहा है हमारा। अच्छा, अभी तक मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ी है? होंडा रिलायबल गाड़ी, एक्टिवा नाम चलता है ना, ट्रस्ट से बिकती है गाड़ी। ट्रस्ट से बिकती है। और एक चीज और बताइए, जैसे इसमें फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मतलब फीचर्स आपको उतने ज्यादा नहीं मिलते इसमें? तो फीचर्स उसमें तो ज्यादा मतलब है नहीं, पर मतलब 6G में मतलब मुझे ये लगा कि मतलब जो उसके टैंक है। हाँ, वो इसमें अंदर से है। हाँ, इसमें अंदर है, उसमें बाहर आ गया। बाहर आ गया 6G में। अच्छा, पर सही है, सेफ के हिसाब से तो अंदर सही है। हाँ, पानी वानी जाने के हिसाब से तो सही है क्या? लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो लगता होगा कि यार पीछे होता तो ज्यादा बढ़िया था। तो इसमें जैसे डिस्क नहीं आता, तो आपको डिस्क का यूज नहीं पड़ता है? नहीं, डिस्क का ऐसा कुछ यूज नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं तो कई लोग होते हैं ना, जैसे उनको यार ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती ड्रम में, तो आपको कैसा लगता है वैसे ब्रेकिंग के हिसाब से? मतलब ब्रेकिंग भी इसकी सही है, मतलब। अच्छा, कंट्रोलिंग वगैरह आराम से? अच्छा, कंट्रोल जाती है आराम से, अभी तक मैंने इसका चेंज नहीं कराया कुछ भी। अच्छा, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, सब मतलब वो स्टॉक ही है पूरा कंपनी का। अच्छा गाइस, बहुत रिलायबल गाड़ी है होंडा एक्टिवा। तो गाइस देखिए, भाई बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, अपना जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है वही चीज बता रहे हो। बिल्कुल, तो ये चीज़ तो है यार, होंडा तो काफी रिलायबल है। एक्टिवा तो नाम ही कब से चल रहा हुआ है, तो 6th जनरेशन तक अभी पहुंच गई है, और इसका 125 भी आपने देखा ही है, तो हिसाब से भी जैसे एक नाम की वजह से भी आपने मेरे ख्याल से ली होगी कि यार एक भरोसा है इस पे। मुझे सब लोगों ने एडवाइस दी थी एक्टिवा एक्टिवा, तो मेरे को भी लगा कि एक्टिवा। अच्छा, सही लगी। तो भैया एक बात और बताइए, जैसे इसमें 125 भी आती है जैसे आपको पता ही है, तो इसमें आपने 110 ही क्यों ली? जैसे कि आप पहाड़ों में तो हमको थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा। आपको बताया कि मेरा वेट है कम, जैसा कि आप देख रहे होंगे। सही बात, मेरा वेट कम है, तो मेरे को उस हिसाब से मेरे लिए ठीक है, मतलब 125 की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, 110 में ही मेरा काम चल जा रहा है, सही हो रहा है मेरे लिए, मतलब हो जा रहा है मेरा। इसके लिए भी चाहिए थी मुझे, माइलेज के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो भैया जैसे आपने 20,000 किलोमीटर चला दिया, 2 साल आपको इसका रखे हुए हो गए हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है मतलब फ्यूचर में आप इसको और लंबा रखेंगे या अब चेंज करने का कुछ सिस्टम वगैरह सोच रहे हैं आप? जब से मैंने ये लिया है इसको अभी 3 साल हो गए, मतलब 20 में ली थी। हाँ, अभी 22 चल रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से मतलब अभी तक तो बिल्कुल सही चल रही है इसका, मतलब माइलेज वाइलेज सब सही है, पिकअप भी बढ़िया है इसका भी। अच्छा, बता रहा हूँ कि मैं 3 बैठाता हूँ, मैं दोस्तों को बैठाता हूँ उसमें। हाँ, तो गाड़ी कहीं रुकती नहीं है चढ़ाई में भी। अच्छा, मतलब खींचते हो जाती है, अभी तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस टाइप की। तो पहाड़ों के लिए मतलब रिलायबल है पूरी? पहाड़ों के लिए बहुत बेस्ट है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक बार ही गिर गई तो उसका थोड़ी इसमें आवाज आने लग जाती है, क्योंकि स्टील बॉडी की वजह से। तो इसका फिर सॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब आवाज बंद हो? वही है कि फिर नट वट थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो उसको ही टाइट करना पड़ता है। अच्छा, फिर मतलब एक सर्विस मांगती है फिर है। अच्छा, तो जैसे आप इसको मतलब स्कूल ऑफ रोडिंग में ले जाते हैं या मतलब नॉर्मल प्लेन रोड पे?
नहीं, थोड़ा ऑफ रोड भी है, 2 किलोमीटर ऑफ रोड भी है। अच्छा, बाकी तो रोड है सही है। तो उसमें तो फिर आवाज आने लग जाती होंगी। नहीं मतलब इसका ये है कि ऑफ रोड में आवाज करती है, बाकी रोड में सही चलती है। अच्छा ठीक है। हाँ वो चीज भी इसकी अच्छी है, आपने बताई थी कि यार प्लास्टिक बॉडी नहीं है तो टूटने का तो डर रहता ही नहीं है, पैसा बच जाता है। वो है तो भैया जैसे आपकी गाड़ी मेरे को मतलब उतनी ज्यादा सादी सादी सी लग रही है, सिंपल सा आपने स्टिकर लगाया वैसे, तो ऐसा मॉडिफिकेशन वगैरह का शौक नहीं आपको कि फ्यूचर में कराएं? यहाँ शौक नहीं, सिंपल गाड़ी मुझे पसंद है। अच्छा, पर वो ये तो भगवान का है, तो ये हाँ, मैं इनका फैन हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, मैंने लगाई है, बाकी यहाँ पे एक डेंट आ गया था तो अच्छा, उसको छुपाने के मैंने ये लगाया है। अच्छा, तो मतलब ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है कि मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह कराएंगे? अच्छा अच्छा, सिंपल ही पसंद है। चलिए, भी अपनी अपनी ओन वाली बात है। भैया एक बात और बताइए, जैसे आप इसको ओन कर रहे हैं तो कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है आपको इसको रख के? फुल है मेरे को तो उससे पूरा। अच्छा, पूरे सेटिस्फाई हैं आप? तो ऐसे रिकमेंडेड करना चाहेंगे आप पब्लिक को कि यार ये वाला बहुत बेस्ट है? अच्छा, बहुत बेस्ट है। एक्टिवा मतलब पहाड़ों के लिए एक्टिवा बहुत बेस्ट है। अच्छा, मतलब आपको बिल्कुल सही लगती है एकदम? बहुत बेस्ट है, मतलब फाइबर बॉडी से तो लागूना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कई लोग सेकंड हैंड पे, आप तो सेकंड हैंड पे मिलेगी, तो आप इसको सेकंड हैंड पे लोगों को रिकमेंडेड करना चाहेंगे कि सेकंड हैंड पे ले करके? सेकंड हैंड में बेस्ट है। अच्छा बेस्ट है, और 6G तो फिर आप इससे ऊपर का मॉडल है तो फिर इससे अच्छा होगा, ले सकते हैं बिल्कुल। तो भैया 2 साल पहले आपको ये ऑन रोड प्राइस कितना पड़ गए थे इसके? ये मेरे को पड़ी थी 84,000 की। अच्छा, तो भैया ये सारी चीजें तो आपने बता दी, तो इसमें एक चीज और बताइए कि यार इसमें प्रोज और कौन जैसे हर चीज में होते हैं तो वो आपको कैसे लगती है? इसमें प्रोज क्या क्या है पहले प्रोज बता दीजिए, अच्छा ही क्या है इसमें? ये अच्छा लगा कि पहली बात तो उसकी बॉडी बहुत बेस्ट लगी मुझे, इसमें स्पेस काफी है, इसमें मैं अपना सिलेंडर पिकअप कर लेता हूँ आराम से। अच्छा, सिलेंडर आ जाता होगा ना इसमें? ये काम भी, ये ड्यूटी भी मेरी है कि मैं इसमें ये कर लेता हूँ पूरा। अच्छा, और मुझे इसका जो लाइट है हाँ, लाइट की जो रेंज है बहुत दूर तक दिख जाती है, और इसमें एलईडी है, एलईडी लाइट आती है इसमें, बस सही है मतलब। अच्छा, थ्रो वगैरह मतलब आपको नाइट में काफी बढ़िया आता होगा। अच्छा, ये 3 चीजें तो आपको मतलब बेस्ट लगती है इसमें, तो इसके अलावा कौन से बता दिए क्या क्या चीजें आपको इसमें बेकार लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती? मैंने ये देखा कि इसमें 100 गज के जल्दी डैमेज हो गया इसके। अच्छा, कौन सा, रियर वाला फ्रंट वाला? इसका बैक वाला। अच्छा, तो वो चेंज डैमेज हो गया, और बाकी अच्छा, यही है मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार ही गिर गई तो उसमें थोड़ा आवाज आने लग जाती है। हाँ, वो अपने बता रहा था। तो जैसे वो सस्पेंशन आपका वो ऑफ रोडिंग की वजह से हुआ या मतलब नॉर्मल रोड में भी हुआ? नहीं, वो हुआ उसके ऑफ रोड की वजह से हुआ वो। अच्छा, वो 3 जने भी आप बैठाते हैं तो उससे भी हो गया होगा। अच्छा, तो चलिए ये तो ठीक होगा। तो एक फाइनल क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर बता दीजिए कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है इस स्कूटर से, कितने सेटिस्फाई हैं आप? 100। अच्छा, 100 में 100, पूरा आउट ऑफ 100? अगर आप इसकी केयर करोगे तो मतलब पूरा 100 में से 100। अच्छा चलिए, ये भी मतलब अच्छी बात है। देखो गाड़ी जितनी रिलायबल है कंपनी की तरफ से, जितनी कंपनी ने इसको मतलब आज तक मतलब इतने आगे पहुंचा दिया है, तो उसमें ओनर भी आपको बताते हैं कि यार सही में ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, मतलब एक्टिवा का जो नाम है वो खाली नाम ही नहीं है, सही में वो बढ़िया भी है। तो ये रिव्यू मिलता है ओनर से जब एक्टिवा वो ओन करते हैं, तो यार सही में काफ़ी बढ़िया है एक्टिवा, होंडा एक्टिवा काफ़ी बढ़िया है लेने के लिए। तो वैसे अगर पहाड़ों के लिए अगर रिकमेंडेड करेंगे, एक वैसे पूछ लेता हूँ आपसे, तो 110 cc ज़्यादा बढ़िया है या 125 cc आपके हिसाब से ओन करने? 125 बढ़िया, 110 में इतना कुछ कर ले रही है तो वो 25 तो बस थोड़ा आदमी बैठे थे तो 125 वाली ले सकता है। चलिए ये ठीक है। तो भैया इसमें एक चीज़ और बताइए, जैसे आप इसमें 20,000 किलोमीटर चला दिया तो सर्विस का क्या रहता है, मतलब कितने किलोमीटर में करवाते हैं और कहाँ से करवाते हैं, ये सारी चीजें बता दीजिए। इसमें सर्विस में इसके लिए बुक आई होती है। अच्छा, वो टेबल के हिसाब से उसकी सर्विस करानी पड़ती है, दो महीने के हिसाब से। अच्छा, किलोमीटर का भी? हाँ, किलोमीटर दिखाता है, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक तुम्हें सर्विस करानी पड़ेगी। अच्छा, कंपनी मेंशन करके देती है आपको? मेंशन करती है, उसके 5 सर्विस फ्री मिलती है इसकी। हाँ, अच्छा 5 मिलती है ना। मैंने इसमें कंपनी में कराई नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा कंपनी में। अच्छा, क्यों? कंपनी वाले इंपोर्टेंस वगैरह नहीं देते कंपनी के, मतलब मुझे तो सही लगा कि मटेरियल उतना अच्छा नहीं डाल रहे थे वो लोग। अच्छा, मतलब वहाँ की सर्विस के बाद आपका प्योरिफिकेशन जो होता है वो नहीं मिल पा रहा होगा? नहीं मिल पा रहा था, फिर मैंने इसको बाहर सर्विस कराई, तो मतलब तो सही, अब उसके हिसाब से सही चल रही है। अच्छा, मतलब 5 के बाद आपने रेगुलर भारी करवाई है? भारी करवाई है रेगुलर। अच्छा, खर्चा इसका तो मिनिमम वही आ जाता है, 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं आता, 1,000 रुपये तो आ जाता है, बाकी तेल अच्छा, आता है 250-300 के रेंज के हिसाब से। अच्छा, इसका इंजन ऑयल? इंजन ऑयल। अच्छा अच्छा, और बाकी सर्विस के हिसाब से पूरा ये 1,000 रुपये तक बैठ जाता है। अच्छा, 1,000 के अंदर ही मतलब आप इसको करवा लेते हैं, तो सही है, कॉस्टिंग भी बढ़िया पड़ जाती है आपको। तो गाइस देख लिया कि यार भैया ने सारे क्वेश्चन आपको कितने बढ़िया तरीके से समझा दिया, अपना ओनरशिप इतने बढ़िया तरीके से दिया, जो भी इनके एक्टिवा से रिलेटेड जो भी इनके आंसर्स थे आपको बहुत बढ़िया करके समझा दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि यार एक्टिवा की तरफ आपको जाना है या नहीं जाना है। 110 cc आपके लिए बढ़िया है नहीं है, 6G आपके लेने के लिए बढ़िया है नहीं है। अब जैसे कि ये तो 5G है, इनने बताया कि सेकंड हैंड पे भी आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी रिलायबल है। तो यार ये सारी चीज़ें ओनर ही बता सकते हैं, क्योंकि यार 20,000 किलोमीटर जब चल जाती है गाड़ी तो उसके बाद उनको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आ जाता है कि उनकी गाड़ी कैसी है और आगे को कैसी चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको होंडा एक्टिवा में देखने को मिलती है। तो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।